For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. करीना कपूर खान के लाडले बेटे तैमूर अली खान इंटरनेट सेंसेशन है। जब भी उनकी तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर लीक होती है वो तुरंत पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। तैमूर कुछ दिनों पहले ही 1 साल के हो गए हैं। वो अपनी मम्मी करीना की तरह काफ़ी फोटोजेनिक भी हैं। अक्सर वो मीडिया के कैमरे को देखकर मुस्कुराने भी लगते हैं। उन्हें करीना ने प्ले ग्रुप में भर्ती भी करवाया है। वो इन दिनों काफ़ी शरारती हैं। इस बात का खुलासा खुद पहले सैफ अली खान ने अपने एक इंटरव्यू में किया। सैफ की माने तो पहले काफ़ी शांत थे, लेकिन जैसे जैसे तैमूर बढ़ता गया वैसे वैसे वो और भी ज़्यादा शरारती होते गए। सैफ ने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में तैमूर के लुक्स को लेकर भी कहा था कि वो करीना के चाइनीज़ वर्जन है, आप उन्हें मंगोल समझ लीजिए। इतना ही नहीं, सैफ और करीना अक्सर इस बात को लेकर ये बहस होती है कि वो किसकी तरह दिखते हैं। टेक टू विद अनुपमा एंड राजीव के एक एपिसोड में पापा सैफ ने कहा था कि तैमूर के पास जेनेटिक्स का खजाना है, उनके अंदर रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान का खून दौड़ता है। तो वहीं राज कपूर के साथ मंसूर अली खान की झलक है। पिछले साल 20 दिसंबर को सैफ और करीना के लाडले ने अपना जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया था। इतना ही नहीं, माँ करीना कपूर खान की तो वो आंखों का तारा है। करीना अपने बेटे के बगैर अब कुछ काम लेने से पहले 100 बार सोचती हैं। बता दें कि करीना एक लंबे मैटरनिटी ब्रेक के बाद अपनी आने वाली फिल्म वीरे दी वेडिंग की तैयारी में काफ़ी बिजी हैं। ये फिल्म उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान साइन की थी। वेल, तैमूर अली खान से जुड़ी और भी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से अमित की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।